एक दिन मैंने श्रील प्रभुपाद जी से ये प्रश्न पूछा। इस उत्तर ने संपूर्ण विश्व को चकित कर दिया था। श्रील प्रभुपाद ने इस बात को कभी उजागर नहीं किया था। कर्म के विषय में श्रील प्रभुपाद चर्चा कर रहे थे कि आप आपके कर्म के फलस्वरूप दुख भुगतते हो, तो मैंने ये जिज्ञासा की। मुझे उनके परीक्षा नहीं लेनी थी, परंतु मुझे प्रामाणिक रूप से ये जिज्ञासा थी, तो मैंने विनम्रता से पूछा, प्रभुपाद क्या आप कभी बीमार होते हो? मेरी ये सोच थी कि बीमार होना कर्म फल स्वरूप होता है, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ हाँ मैं बीमार होता हूँ। तो मैंने कहा कि आप एक शुद्ध भक्त हो और नाम लेने से या विग्रहों के समक्ष नतमस्तक होने से आप कर्मों से मुक्त होते हो, तो ऐसा क्यों है कि आप बीमार होते हो? श्रील प्रभुपाद ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं कोई शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने श्रीमती राधा रानी के कृपा की बात की थी। तो मैंने पूछा कि आपको शारीरिक दुख क्यों है? प्रभुपाद जी कहे, मेरे दुखों का कारण है कि मैंने एक पाप अवश्य किया है, मैंने बहुत ज़्यादा शिष्य बनाए हैं, और जब आप ऐसा करते हो तो शिष्यों के पाप जो है वो गुरु को स्वीकार करने होते हैं। ये बहुत गंभीर बात थी। मैं उस समय संस्था में इतना सक्रिय नहीं था, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि ये बात बहुत गंभीर है, और वहाँ जो भक्त थे वे सब पूरी तरह चकित हुए, और श्रील प्रभुपाद के प्रति उनके प्रेम स्वरूप वे सोचने लगे कि मेरे पाप श्रील प्रभुपाद को दुख दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने यह उत्तर देते हुए कहा, मेरा पाप यही है कि मैंने कई सारे शिष्य बनाए हैं, परंतु प्रचार हेतु मैं यह करने के लिए भी तैयार हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम